वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जारेवाल ब्लॉग्स। और दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज ये समरसेबल एक्सपेरिमेंट पंप है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और गाइस, ये जो पंप है ये बाजार से हमें 100-150 रुपये का आसानी से मिल जाता है। और गाइस, जो ये पंप है इसको हम आज बीच में काटने वाले हैं ग्राइंडर की मदद से। और काटने के बाद हम आपको बताएंगे इसमें क्या निकलेगा और कैसे इसका आंसर होगा। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए। और गाइस, काटने से पहले हम इसकी टेस्टिंग बताएंगे आपको, ये पानी कितने दूर तक फेंक सकता है। तो गाइस, बताता हूँ मैं आपको पानी। और गाइस, ये हमने अभी इसके ऊपर नली लगा ली है इसकी टेस्टिंग करने के लिए। तो गाइस, इसको हम पानी में डालते हैं और आपको इसकी टेस्टिंग बताते हैं। तो गाइस, इसको हम अभी स्टार्ट करके बताते हैं हम आपको। और इसको चालू करने के लिए हमें दो लोगों की हेल्प लगेगी। तो गाइस, ये हमारा पावर प्लग है, क्रिसमस पावर आएगी इसके लिए। गाइस, इसको बंद कर देते हैं। और गाइस देखिए, इसको देखिए, गाइस देखिए, ये हमारी 18 वाट की है और ये ज़्यादा पानी भी दे रही है। देखिए गाइस, आप काफ़ी शानदार है गाइस। और गाइस, अभी हमारी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है तो हम इसको भी निकाल लेते हैं बाहर। गाइस, ये वही मोटर है जिससे अभी हमने पानी की टेस्टिंग कराई थी। तो गाइस, बाल्टी को रख देते हैं नीचे वन। तो गाइस, अभी इसकी ये जो नली है इसको मैं हटा लेता हूँ। और गाइस, इसके ऊपर नली टाइप की आती है, इसके ऊपर हम कोई भी नली लगा सकते हैं रबड़ की, उसको हम लगा देते हैं। और गाइस, इसको हटाने पर ये ऐसे जॉइंटिंग हो जाती है ऐसे। गाइस, ये जॉइंट हो गई है। और गाइस, हम इसको दोबारा से लगा देते हैं। तो गाइस, ये एक्सपेरियम मोटर पंप है, ऐसे दोबारा सेट हो जाएगी। और गाइस, ये इस प्लग को घुमाने पर और इसमें से ये बाहर निकल के आ जाएगी। तो गाइस, ये हमने इसमें से बाहर निकाल लिया है। और गाइस, ये इसका एम्पियर है जो पानी में बाहर फेंकता है। तो गाइस, अभी हम इसको इसमें से काटने वाले हैं और आपको बताएंगे। तो गाइस, अभी हम इसको आपको काट के बता रहे हैं और आपको बताएंगे इसमें कैसा आर्मेचर होगा, कैसे इसमें वो पंपड़ी होगी और कितना इसमें कॉपर का वायर निकलेगा। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, हम आपको इसको काट के बताते हैं। तो गाइस, अभी हम मोटर काटने जा रहे हैं और इसकी जो ऊपर का ये क्लिप है इसको हम हटा लेते हैं। और इसकी जो गर्मी होगी काटने के लिए थोड़ा सेफ रहेगा। दोस्तों, आखिरकार हमने इसको काट दिया है बीच में शलक। और दोस्तों, ये जो हमारा ग्राइंडर है ये भी पूरा इसमें से पाउडर जैसा निकला है, जाने क्या निकला है दोस्तों इसमें से। और दोस्तों, अभी हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ निकली है। ये दोस्तों, इसमें से इसकी जो चीज होती है एक्सल टाइप की। और गाइस, ये भी इसके अंदर से निकला है, ये एक बटन जैसा निकला है गाइस। और अभी है गाइस जिसके अंदर मैग्नेट, उसको हम आपको बाहर निकाल के बताएंगे। तो गाइस, अभी हम इसको निकालते हैं। तो गाइस, ये इसके अंदर से मैग्नेट निकला है। और गाइस, ये इसके चिपक रहा थी, ये काफी शानदार गाइस देखिए।
और गाइज ये इसमें ऐसी फिटिंग होती है इसकी, ये ऐसे डला हुआ होता है यहाँ से ऐसे, और गाइज ये ऐसे होता है, और जो बीच का एक्सल टाइप का जो है ये इसमें ऐसे लगा हुआ होता है। और ये जो हमारा एक्सपेरियम पंप है इसके मुंह पे ऐसे लगा हुआ होता है। और गाइज खराब हो जाने की वजह से इसमें से निकल गई है बाहर, और ये जो इसका कवर है ये ऐसे इसके ऊपर लॉक हो जाता है। तो गाइज इतनी मेहनत करने के बाद हमारे जो हाथ लगा है वो है ये कॉपर वायर्स, इनको हम निकाल लेते हैं। गाइज ये है वो कॉपर वायर्स, गाइज देखिए। तो गाइज इसमें से हमने इसको अलग कर लिया है, और इसमें से ये कॉपर निकला है काफी सारा, और गाइज ये बहुत मेहनत से निकला है, और ग्राइंडर से काटने के बाद भी गाइज ये निकला है। हमने इसको हैमर की चोट से निकाला है, और गाइज ये इसमें कुछ मेटल का है आप देखोगे, और गाइज ये तो कॉपर निकला है, और ये इसमें से मैग्नेट पंखुड़िया निकले, और गाइज ये इसका पूरा सामान है जो इसमें से निकला है। तो गाइज 100-150 रुपए की जो मोटर आती है हमारे सबमर्सिबल एक्सपायर मोटर जो है, इसमें से ये सारा सामान निकला है, और गाइज यही पानी फेंकती है। और गाइज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो गाइज ये हमने इसको निकाल दिया है कचूमर, देखिए गाइज ये रहा।